कब्जा करने को लेकर हस्तक्षेप और कब्जे को रोके जाने की शिकायत एसपीसी की है। और क्या कुछ बताया है आप सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वह पीड़िता है जिसका नाम शीतला देवी पत्नी महन सिंह निवासी ग्राम जोगा थाना बेवर है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है जिसमें उसने बताया है कि उसने एक प्लॉट नेपाल पुत्र मुंशीलाल से खरीदा था जिसमें वह जानवर आदि पालने का काम कर रही थी और अब जबरदस्ती गुंडागर्दी के बल पर उस पर नाजायज कब्जा महावीर पुत्र रामेश्वर दयाल चुनमुन पुत्र शिव नारायण जी के पुत्र अमर सिंह कुबरीठा द्वारा किया जा रहा है। ये सभी लोग एकत्रित होकर उसके प्लॉट पर गए और प्लॉट पर लगी ईंटों को उखाड़ कर फेंक दिया और प्लॉट पर कब्जा कर लिया। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ काली गलौज की साथी मारने की धमकी भी दी। पीड़िता अपने प्लॉट पर कब्जा रोके जाने की शिकायत लेकर पहुंची। पीड़िता ने क्या बताया है ये जरा आप ही सुनिए। क्या मामला है, शिकायत करने आई आप? जिला मैनपुरी, जिला मैनपुरी थाना 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 जोगा में रहने वाली हूँ। प्लाट लिया है, प्लाट लिया उस पर कब्जा नहीं करने देते, देर देर पुलिस बुला के ले जाते, हमें परेशान करते हैं, कहते हैं ये टूटा उठा उखाड़ो यहाँ से हटाओ। अच्छा, प्लॉट किसने खरीदा था? प्लेट हमने खरीदा था पहले खरीदा था। कितना समय हो गया? आपने बयानामा कराया? अब उस जमीन पर क्या हुआ? वो जमीन पर पौवे जाएंगे नहीं बांधने, मतलब तुम्हारी जमीन है, तुम्हें ही कब्जा नहीं करने दे रहा? कब्जा नहीं करने दे रहा। कौन, गांव के लोग हैं? गांव का वो महावीर है, चुनू है। क्यों नहीं करने दे रहे, क्या वजह है? वो जो कह रहे हैं कि इसके लगी है, इसके भी हमें दिखाते नहीं है, कह रहे थाने में रखी है, हर वक्त पुलिस बुला के आ जाते हमें परेशान। जबकि जगह आपने खरीदी है? मैंने जगह खरीदी। पहले भी शिकायत की थी, क्या हुआ? पहले भी शिकायत की, कुछ नहीं हुआ सर। आज मिले? आज भी मिले। क्या कहा? कागज लिख के जाकर थाने पहुँच गए।